प्यारे विद्यार्थियों, आज एक विद्यार्थी यह जानना चाहता है कि टू और बाय का अकाउंटिंग में क्या मतलब है। प्यारे विद्यार्थियों, टू और बाय इंग्लिश भाषा में प्रपोजिशन है, अर्थात दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाला है। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी यह एक संबंधक का काम करता है, पर किसी अन्य तरीके से। इसको आप ऐसे कह सकते हो, एक अकाउंट है, उसका एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। एक अकाउंट के जितने भी डेबिट साइड में हम अमाउंट लिखते हैं या अकाउंट्स लिखते हैं, उसको टू के साथ संबोधित किया जाता है। जैसे जैसे उस खाते के डेबिट साइड में हम राशि लिखते हैं, तो टू के साथ वो संबोधित होता है और डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है, जो टू है वो किसी अकाउंट के डेबिट साइड को इंक्रीज करता है, और जो बाय है उसी अकाउंट के क्रेडिट साइड को इंक्रीज करता है। जितनी अमाउंट ज़्यादा हम क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, उसकी क्रेडिट साइड इंक्रीज हो जाएगी। अब ये नेचर ऑफ अकाउंट्स है कि उसका बैलेंस जो है किस तरफ जाएगा, डेबिट जाएगा क्रेडिट जाएगा। तो इसका डिफरेंस जो है, उसके अपोजिट साइड हम बाय या टू के साथ संबोधित करते हैं, लिखते हैं। तो इस प्रकार से टू और बैलेंस एक अकाउंट्स को उसका बैलेंस निकालने में मदद करता है। अगर आप ऐसा कह दीजिए कि एक अकाउंट के डेबिट साइड में हमने इतनी राशि लिखनी है, तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक अकाउंट के में टू के साथ हमने यह अकाउंट शो करना है। ऐसे क्रेडिट साइड में लिखना है, मीन्स बाय के साथ हमने उसको लिखना है। तो अपने आप में जो टू और बाय है, उसका डिक्शनरी मीनिंग ख़त्म हो जाता है, जस्ट हमारी सुविधा के लिए। जैसे किसी अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय, जैसे कैश अकाउंट है उसके बाय में लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट का मतलब ये है कि हमने इसकी पेमेंट की है। अब फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में टू कैश आ जाएगा, यानी पोस्टिंग को इसी करने के लिए भी टू और बाय का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसका इस्तेमाल ना भी करें तो भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके?